सभी को नमस्कार। आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो देखिए, क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन में आपको एक ग्रुप, जैसे मान लीजिए चार वर्ड्स दिए हुए हैं, उन चार वर्ड्स में से आपको बताना है कि डिफरेंट कौन सा है, वो क्यों डिफरेंट है। उसके कई रीज़न, उसके कई बेसिस हो सकते हैं, जैसे शेप, साइज़, कैटेगरी या कुछ और रीज़न। तो आपको वो वर्ड छांटना है जो उन चार में से अलग हो। तो इसमें चार तरह के प्रश्न होते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, ओड नंबर क्लासिफिकेशन और ओड पेयर ऑफ नंबर क्लासिफिकेशन। तो आइए आज हम पहले दो तरह के प्रश्नों को देखेंगे, वर्ड क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन। तो शुरू करते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। हमारा पहला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, चूज़ द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। मतलब आपको इन चार शब्दों में से वो शब्द छांटना है जो उनसे अलग हो। आपको ऑप्शन दिए गए एप्पल, कैरेट, ऑरेंज, गुआवा। देखिए, एप्पल क्या है, फ्रूट, कैरेट क्या है, सब्जी, ऑरेंज भी फ्रूट है, गुआवा भी फ्रूट है। तो तीन तो हैं फ्रूट और चौथी क्या है, सब्जी। तो जो अलग है वो हमारी क्या है, कैरेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि ये वेजिटेबल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या कह रहे हैं, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। आपको दिया गया कॉपर, जिंक, ब्रास और एल्युमिनियम। आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। देखिए, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम क्या है, हमारी मेटल्स, लेकिन जो ब्रास है वो क्या है, अलॉय। तो हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि ये अलग है। ये इसकी एक्सप्लानेशन, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सेप्ट ब्रास आल अ मेटल, ब्रास इज अलॉय। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। देखिए, अब इसमें इस तरह से आपको एक पेयर्स बना के दे दिए जाते हैं और उस पेयर्स में से आपको कहा जाता है कि वो शब्द छांटिए जो अलग हो। देखिए, उसने ऑप्शन ए में आपको दिया वॉल्यूम, लीटर, टाइम, सेकंड, लेंथ, मीटर, प्रेशर, बैरोमीटर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए, किसी चीज़ को हम जब लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो हम वो लीटर्स में नापते हैं, जो टाइम है वो सेकंड्स में जाता है, जो लेंथ है वो मीटर में, लेकिन प्रेशर, बैरोमीटर, ये गलत दिया हुआ। क्यों, ये प्रेशर किस चीज़ का है। यहाँ आना चाहिए था आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर को नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका गलत है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इन ऑल पेयर सेकंड इज द यूनिट टू मेजर द फर्स्ट। इन ऑप्शन डी, बैरोमीटर इन एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा उन सब में से अलग है। अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें आपको चार बुक्स दी गई हैं, उनमें से बताना है डिफरेंट कौन सी है। देखिए, रामायण, महाभारत, गीता या गोदान। तो देखिए, जो हमारी रामायण, महाभारत और गीता है वो हमारी रिलीजियस बुक हैं, लेकिन गोदान क्या है, एक नॉवल है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो जो डिफरेंट है वो क्या हुई, गोदान। द राइट आंसर जो ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस तरह से आपको वो छांटना होता है। अब जो हमारा ये आ रहा है, ये है लेटर क्लासिफिकेशन, मतलब लेटर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करना है आपको। तो शुरू करते हैं। देखिए, विच इज द फॉलोइंग पेयर गिवन फ्रॉम द ग्रुप इज डिफरेंट। देखिए, आपको पहले क्या दिया है, सी एफ आई एल। तो देखिए, सी के बाद तीसरा अक्षर जो है एफ है, नीचे आपको ए टू जेड दी हुई है, ये सी, सी के बाद तीसरा अक्षर आपका एफ आर है, एफ के बाद तीसरा अक्षर आई और उसके बाद तीसरा अक्षर एल। तो इसमें प्लस तीन का डिफरेंट है सभी पेयर्स में, ठीक है जी। तो आप इसे तीन का डिफरेंस लिख सकते हैं। अगले वाले में देखिए, पी एस वी एक्स, पी के बाद एस तीसरा अक्षर है, एस के बाद वी तीसरा अक्षर है आपका, वी के बाद एक्स जो है वो दूसरा अक्षर है। तो ये उस कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा। अगला देखते हैं हम अपना जे एम पी एस, जे के बाद देखिए एम तीसरा अक्षर है इसमें, एम के बाद पी तीसरा है, पी के बाद एस भी तीसरा है। तो ये आपकी कंडीशन को पूरा कर रहा है कि यहाँ तीनों तीन के बाद है। ऐसे ही ओ आर एक्स को देख लीजिए, ओ के बाद आर तीसरे नंबर पे है, आर के बाद
यू तीसरे पे आ रहा है, यू के बाद एक्स तीसरे पे आ रहा है, तो इन तीन जो हैं ए सी और डी में जो वर्ड्स हैं उनके बीच में तीन तीन का गैप है, लेकिन बी में वो कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। देखिए बहुत इजी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगा के उसे समझने की ज़रूरत है कि क्या कह रहा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी जो है वो क्या बन जाता है, सी बी ए, मतलब बिल्कुल बैकवर्ड से। अब ए बी सी तो सीधा है और सी बी ए बैकवर्ड से चल रहा है, जे के एल तो इसका क्या बना रहा है, के एल जे, तो इसमें वो बैकवर्ड वाली सीरीज़ को पूरा नहीं कर रहा। एक्स वाई जेड में जेड वाई एक्स, इसमें ठीक है। एम एन ओ में ओ एन एम, ये भी ठीक है। तो जो तीन हैं उनमें वो बैकवर्ड चल रहा है लेकिन बी में नहीं जा रहा, तो बी जो है वो डिफरेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। अगले में चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखिए इसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट अदर ग्रुप। देखिए आपको ए में दिया हुआ लॉक और की, बी मोटरसाइकिल और फ्यूल, सी बुक और कॉपी, डी रिवर और वाटर। देखिए जो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर दूसरी चीज़ नहीं है तो पहले की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपके पास ताला और चाबी नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ऐसे ही मोटरसाइकिल और आपके पास फ्यूल नहीं है तो मोटरसाइकिल की कोई वो नहीं है, बुक और कॉपी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपके पास बुक क्या पढ़ सकते हैं, कॉपी तो अलग चीज़ होगी ना, उसके बिना आपका कोई काम तो नहीं रुक रहा, ऐसी नदी है और उसमें पानी नहीं है तो नदी की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, तो जो सबसे डिफरेंट है वो बुक और कॉपी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल अदर फॉर्म्स एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसका रिप्लाई ले सकते हैं।